खबर अयोध्या से है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले की गर्मी चली आ रही है कि संत सामान्य राम मंदिर निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का आयोजन किया। अयोध्या के तपस्वी जी की छावनी में कल 19 सितंबर को सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या के सभी प्रमुख संत महंतों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास के अनुसार अयोध्या के सभी प्रमुख संत महंत रहेंगे उपस्थित और राम मंदिर निर्माण की बाधाओं को खत्म करने के लिए हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा, अयोध्या के तमाम महामंडलेश्वर, जगत गुरु और संत समाज के लोग एक मंच पर इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राम मंदिर निर्माण में विघ्न बाधाओं को खत्म करने तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से राम मंदिर निर्माण के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस पर जो सनातन धर्म संसद होने वाली है, जिस पर जो है तो अयोध्या के सारे संत महंत महामंडलेश्वर जगतगुरु धर्माचार्य सब एक मंच पर इकट्ठा होकर के और कल जो है तो हनुमान जी की विशेष आराधना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि जिस समय एक बार हनुमान जी जो है तो अपने को भूल गए थे कि राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ है, तो जामवंत जी ने याद दिलाया कि राम काज लगता हुआ अवतारा सुनते भय पर्वताकारा, तो हनुमान जी पर्वत के आकार का हो गए, जाकर के लंका जराए और राम काज को किए। उसी तरह से कल हनुमान जी को हम लोग फिर जगाने का काम करेंगे सनातन धर्म संसद के माध्यम से कि हे हनुमान जी, अब राम मंदिर बनने की निर्णायक स्थिति में आ रहा है, इसलिए विघ्न बाधा दूर हो और ऐसी स्थिति बनाइए कि सौहार्दपूर्ण ढंग से राम मंदिर का निर्माण हो, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर के कार सेवा करें, सब लोग मिलकर के राम जी के पत्थर ले जाने का काम करें और सौहार्दपूर्ण ढंग से राम मंदिर का निर्माण हो। इसके लिए अयोध्या के सारे धर्माचार्य कल अयोध्या तपस्वी जी की छावनी में एकत्रित होंगे, चूंकि तपस्वी छावनी महात्यागियों का आचार्य पीठ है और अयोध्या की सबसे पुरानी छावनी है, तो सारे संत यहां एकजुट होकर के सनातन धर्म संसद, क्योंकि अभी तक जो भी धर्म सभा हुई, कहीं धर्म सभा कहीं संत सम्मेलन कहीं ये परम 108 परम धर्म संसद, लेकिन सनातन धर्म संसद अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए चूंकि हमारा धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म वैदिक धर्म है, तो कल अयोध्या कल तपस्वी छावनी में सनातन धर्म संसद, जिसमें हजारों धर्माचार्य एक साथ बैठ करके और हनुमान जी की आराधना करेंगे कि राम मंदिर निर्माण में जो भी विघ्न बाधाएं हों वो दूर हों और राम मंदिर का निर्माण जो है शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि राम के बिना हिंदुस्तान में सब कुछ अधूरा है। राम के बिना चाहे कितना भी विकास हो जाए, राम के बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। मरने के बाद भी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, हमारे यहाँ राम के बिना कुछ नहीं है, इसलिए राम मंदिर सबसे। कौन कौन से संत आ रहे हैं इस पूरे आपके जो सनातन धर्म संसद? इसमें अयोध्या के जितने धर्माचार्य हैं, कई जगत गुरु हैं यहाँ और कई संप्रदाय के हैं, कितने महामंडलेश्वर हैं, सब यहाँ जो है कल 9 बजे से यहाँ ताता लग जाएगा और 12 बजे इतनी खचाखच भीड़ भर जाएगी कि यहाँ सरसों फेंकने की। अयोध्या से हमारे संवाददाता अश्विनी सोनकर की रिपोर्ट।